इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि रशियन वैक्सीन है, इंडियन वैक्सीन है, चाइनीज वैक्सीन है, आप तीनों में से कौन सी लगवाना पसंद करेंगे? भाई जिससे भी मुझे आराम आ जाए। कैसे पता लगेगा आराम किससे आ रहा है? वो देखिए, इंडियन वैक्सीन से आराम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। किससे आराम नहीं आएगा? इंडियन वैक्सीन से। मैं बड़ा वोकल रहा हूँ एंड आई हैव, अगले दिन मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये कहा कि आप इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट करें। इंडिया टुडे ने मेरी वो वीडियो डाउनलोड करके अपने, वो गौरव सावंत ने अपने चैनल में चला दी, इंडिया टुडे ने उसकी मेरी वीडियो चला दी और वो अपने, उन्होंने डाउनलोड की उसको और उसने वो अपने कट्स बना बना के पता नहीं किस तरह उन्होंने किया, तो वो उन्होंने लगाया। देखिए जी, कंवर चीमा कह रहे थे कि इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट करनी चाहिए और मैं कह रहा हूँ इसमें कौन सी बात है। देखें, as long as मैं तो इसका भी बड़ा क्रिटिसिज्म करता हूँ, पाकिस्तान अपनी 90% वैक्सीन तो इंडिया से मंगवाता है, तो ये वैक्सीन इंडिया में मंगवाने में क्या मसला होगा? तो ये तो कोई बात नहीं है। और देखें, आपको इलाज करवाना है, आप और रेबीज की मेडिसिन मंगवाते हैं, बहुत कुछ मंगवाते हैं और ये बैरियर्स नहीं रहने चाहिए भाई, ये बैरियर्स नहीं रहने चाहिए। और इंडिया को चाहिए कि वो जो कोविड के चक्कर में इन्होंने हमें मेडिसिन भेजनी है, जो भेजनी है वैक्सीन, वो भेजे, ये उसके ऊपर बैठ गए, ये वो वैक्सीन ही नहीं भेज रहे ममालिक को और कह रहे नहीं। इन्होंने क्या किया है कि कोवैक्स ने एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट था, अच्छा उसमें यह है कि पूरी दुनिया को वैक्सीन जानी है कोवैक्स के अरेंजमेंट में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लिए पहले रख लिए, खुद ही बना के खुद ही अपने लिए रख लिया और बाकी कह रहे थानू सी बात देने हैं, एक ही तरीका भाई। सो इसमें तो पूरी दुनिया जो है इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही है कि आप अपनी वैक्सीन के ऊपर बैठ गए हैं, जरूरत आपको भी है, ये नहीं है कि जरूरत नहीं है। और जारी, और इनका भी कोई कसूर नहीं है, वो सप्लाई चेन के मसले हैं, इनके पास सप्लाई नहीं आ रही। वो अमेरिकन जो कंपनी है, उन्होंने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक 1950 का एक एक्ट है वो लागू कर दिया है कि जी क्योंकि पहले डोमेस्टिकली जरूरत है, तो वो जो आना था रॉ मटेरियल वो इंडिया नहीं पहुंचा। तो कुछ गलतियां इनकी भी हैं और कुछ इनकी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो वैक्सीन जो मेरे लिए और लोगों के लिए अच्छी है वो लगा ले। मैं बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ फैक्चुअल पोजीशन पे कमर ने जो दो तीन बातें बोली है। देखिए कमर, आपको एस्ट्राजेनेका जो कि इंडियन वैक्सीन है, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वैक्सीन की विच इज कॉल्ड गावी, उसके थ्रू मिल रही है। दूसरी बात ये कहना कि आप इंटर कंट्री लेवल पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वो तो आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी। अभी आप लेकिन शुगर और कॉटन की रिक्वेस्ट करके फिर यूटर्न मार जा रहे हो, तो फिर पेंडेमिक वाली वैक्सीन वाली रिक्वेस्ट आप तो खरीदनी होगी ना, आपको आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। आप अगर नई इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहते हो, उन कंपनीज को डायरेक्टली कर लीजिए, पर गावी के थ्रू जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान को ऑलरेडी मेड इन इंडिया वैक्सीन मिल रही है। दूसरी बात, आपका ये कहना कि इंडियंस ने वैक्सीन रख ली है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा था इंडियन गवर्नमेंट का, हमने तो, मैं आई कवर फॉरेन अफेयर्स और पिछले एक महीने में जहां जहां पर इंडियन एम्बेसडर्स और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने वैक्सीन भेजी है ना, उन कंट्रीज के नाम भी मैं नहीं सुना था, क्योंकि मैं 10-12 साल से फॉरेन अफेयर्स कर रहा हूं। उन कंट्रीज को, कैरिबियन कंट्रीज को भेजी है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 72,000 है, वो एक वैक्सीन का डब्बा लेने के लिए वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आ गए। तो ये कहना कि इंडिया ने वैक्सीन दबा के रख ली यहाँ पे, मैं आपको, देखिए 3 महीना हो गया हम फोर्थ मंथ में, आपको, आपके ऑडियंस को मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेट्स गो बाय फैक्ट्स। जनवरी में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुई, मिड जनवरी में, वी आर इन दी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, ऑलमोस्ट 3 महीने कंप्लीट हो गए। हमारे टोटल वैक्सीनेशन कितने हुए? ओनली 8 करोड़, एंड दैट डज नॉट इंक्लूड डबल शॉट्स, ओनली 8 करोड़ हुए हैं। हमारी पॉपुलेशन 130 है, अगर हम दबा के बैठे होते तो 3 महीने में खाली 8 करोड़ थोड़ी ना वैक्सीन लगती,
हम दबा के बैठे होते तो 72,000 पॉपुलेशन वाली कंट्री को थोड़ी नहीं जाती। जहां तक रही बात कि पाकिस्तान को मिलनी चाहिए किस कंट्री को मिलनी चाहिए, वो तो या तो कंट्री गावी के थ्रू ले ले, या तो कंट्री उस प्राइवेट कंपनी को ले, फाइजर से किसी से बात कर ले, किसी से भारत बायोटेक से बात कर ले, दीजा प्राइवेट कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट है, उनसे रिक्वेस्ट तो भेजे। आप मुझे बताइए किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिनिस्टर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है क्या? आपने भेजी ही नहीं, ना कंपनी को भेजी ना गवर्नमेंट को भेजी। हाउ कैन यू क्लेम कि हमें नहीं दी, हमें देनी चाहिए? आप भेजिए तो सही, आप मांगिए तो सही, और जो नॉर्म है इंटरनेशनल गावी के थ्रू उसके थ्रू तो आपको मिली नहीं है। लेकिन बिल्कुल आशीष जैसे कह रहे हैं चीमा साहब, आपने बात सुनी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं ये बात भी साथ ही जोड़ दूं चीमा साहब आपसे पूछने के लिए कि इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑर्डर करते हैं ट्रेड शुरू। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तान के कमर चीमा किस तरीके की बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं, मतलब इनको कुछ अंदाज़ा भी नहीं है। भारत पाकिस्तान की वैक्सीन खा गया इस तरीके की बात कर रहे हैं। आपको बता दें भारत गावी के थ्रू पाकिस्तान को 4.5 करोड़ वैक्सीन देने वाला था, लेकिन आपको बता दें कि भारत ने अब सभी देशों को वैक्सीन मतलब देने में रोक लगा दी है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न सिंपल है, भारत में कोरोना केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण भारत में खुद ही मतलब खुद के लोगों को वैक्सीन की कमी पड़ गई है। और भारत ने अब डिसाइड किया कि ना हम पैसे में वैक्सीन देने वाले हैं अभी कुछ समय के लिए, ना किसी को मुफ्त में वैक्सीन देने वाले हैं। रीज़न आपको क्लियर मैंने बता दिया, भारत में अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस भारत में आ रहे हैं। आपको पता है महाराष्ट्र लीड कर रहा है, मतलब महाराष्ट्र में भारत के 60% केसेस हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है। और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट डिमांड कर रही कि हमारे यहाँ सभी एजेस ग्रुप को वैक्सीन दी जाए, और जो कि सही भी है। अभी भारत में केवल 45+ वालों को वैक्सीन दी जा रही, और इस वजह से भारत के लोगों को अभी वैक्सीन मतलब इतनी ज़्यादा मिल नहीं पा रही है। और अभी भी आपको पता है भारत में इतनी ज़्यादा आबादी है कि वैक्सीन प्रोडक्शन इतना जल्दी इतनी बड़े अमाउंट में वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो दोस्तों रीज़न यही सिंपल सा है, भारत के पास अभी खुद की वैक्सीन है इतने नंबर में नहीं है कि भारत दूसरे देशों को दे पाए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों ये कमर चीमा के स्टेटमेंट पर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर आपके घर में कोई 45+ का मेम्बर है तो प्लीज़ उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएं, अपने आसपास के या जहां पर भी कोविड वैक्सीन सेंटर बने हैं वहां ले जाएं और उसे कोविड वैक्सीन लगवाएं। केवल आधार कार्ड लगेगा आपको, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट हैं। छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट तो आप ज़्यादा अगर रोज़ डिस्प्रिन गोली खाएंगे या कोई भी टैबलेट खाएंगे तो उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, आपको भी पता है। तो वैसे ही कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, सिर दर्द देगा, हल्का सा दर्द होगा या बुखार आ जाएगी हल्की सी, बस दूसरे दिन आप नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, अपने माता पिता अपने बुज़ुर्गों को घर में जो भी हैं ट्रैवल कराएं, साथ में ले जाएं, मास्क लगा कर ले जाएं, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोविड को अभी भी सीरियसली नहीं लेंगे तो कोविड आपको भी सीरियसली नहीं लेगा और फिर काम डाल देगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।